हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, आज है 8 मई और 8 मई से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और जो भी हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्ज़िट ऐप लॉन्च किया है? तो एग्ज़िट ऐप को जो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्ज़िट ऐप को लॉन्च किया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्ज़िट ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके मूल स्थान पर पहुंचाना है। यहां पर बात की गई है पश्चिम बंगाल की, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CSIR IGIB पार्टनर्स ने नो हाउ लाइसेंस के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो CSIR ने टाटा संस के साथ जो है नो हाउ लाइसेंस के लिए साझेदारी करी है, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स IGIB इंटीग्रेटिव बायोलॉजी पार्टनर्स ने नो हाउ लाइसेंस के लिए टाटा संस के साथ साझेदारी करी है। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्स बूफा के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णन रामचंद्रन, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि मैक्स बूफा के नए MD के रूप में कृष्णन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्स बूफा के नए MD के रूप में कृष्णन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। यह आशीष मल्होत्रा के स्थान पर आए हैं। कृष्णन रामचंद्रन वर्तमान में बूफा के MD के साथ साथ CEO भी हैं। यहाँ पर बात की गई है मैक्स बूफा की, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो मैक्स बूफा है ये जो है, मैक्स बूफा इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो जो मैक्स बूफा है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। तो आप लोग याद रखना, मैक्स बूफा को इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। मैक्स बूफा का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मैक्स बूफा के MD और CEO हैं, यानी CMD हैं कृष्णन रामचंद्रन। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक माइकल पिंटो, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना, IBRD में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में अशोक माइकल पिंटो को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में भारतीय अमेरिका वकील अशोक माइकल पिंटो को मनोनीत किया गया है। यहाँ पर बात की गई है IBRD की, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो IBRD है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। और जो ये डेविड मालपास हैं ये जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, ये भी आप लोग याद रखना। और जो IBRD है ये जो है वर्ल्ड बैंक से ही कनेक्टेड है, तो इतना आप लोग याद रख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस इन टेक्नोलॉजी किसने जीता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरभ लोढ़ा, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना, 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस इन टेक्नोलॉजी जो है सौरभ लोढ़ा ने जीता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस इन टेक्नोलॉजी सौरभ लोढ़ा ने जीता है। उन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए योगदान के लिए दिया गया है। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG के लिए किसे मार्कस वॉलन वर्ग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी निकोलस सी कोप्स, मार्कस वॉलन वर्ग, रिचर्ड एन वॉर्निंग को, यानी इन तीनों को जो है सम्मानित किया गया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG के लिए निकोलस सी कॉप्स, मार्कस वॉलनबर्ग, रिचर्ड एन वॉर्निंग सभी को मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। और ये किम जोंग उन कौन है? तो ये जो है साउथ अफ्रीका के तानाशाह हैं, साउथ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। रूस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। यहाँ पर बात की गई है रूस की, तो रूस के बारे में हम देख लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूसी रूबल। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना निम्न में से कौन सा नया अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि भारतीय नौसेना ने जो है हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु एक नया अभियान शुरू किया है। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास में शुरू किया गया है। वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो आप लोग ये भी याद रख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान निम्न में से किसने संभाली है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड की जो कमान है वो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने संभाली है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने संभाल ली है। जनरल राज शुक्ला को 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन्ड किया गया था और जो वर्तमान में सेना अध्यक्ष है वो है जनरल मुकुंद नरवाने। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2020 को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक साल, यानी जो ए ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2020 को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर।
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यह टूर्नामेंट जो है 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। और जो वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पॉल एरिक हेयर लॉर्सन, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस मंत्रालय द्वारा अरे ऑफ जीनियस नामक एक लघु फिल्म जारी की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है अरे ऑफ जीनियस नामक एक लघु फिल्म जारी की गई है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय एवं सांस्कृतिक स्थल विकास ने 2 मई 2020 को सत्यजय रे की 100वीं जयंती समारोह की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए ऑनलाइन लघु फिल्म अरे ऑफ जीनियस लॉन्च की है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किसने कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस पर कोरोना वायरस पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया है। मल्टीमीडिया गाइड महामारी पर संयुक्त और प्रामाणिक जानकारी देता है, जिसने एक उत्तेजक और इंटरैक्टिव मोड में वैश्विक समुदाय को जकड़ लिया है, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, DRDO, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि DRDO ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। टावर का उपयोग उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों के रासायनिक मुक्त और तेजी से कीटाणु शोधन के लिए किया जा सकता है। यूवी ब्लास्टर कंप्यूटरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में गैजेट्स के अन्य रूपों जैसे उच्च तकनीकी सतहों के कीटाणु शोधन में सहायक होगा। यहाँ पर बात की गई है DRDO की, तो DRDO के बारे में हम देख लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO को स्टेब्लिश किया गया था 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और जो DRDO के जो प्रेसिडेंट है वो है जी सतीश रेड्डी, तो आप लोग याद रखना। तो टोटल 13 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जो भी आप लोगों ने यहाँ से पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR IGIB पार्टनर्स ने नो हाउ लाइसेंस के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स बूफा के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णन रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक माइकल पिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौरभ लोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG के लिए किसे मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी निकोलस पी कॉप्स, मार्क्स वॉलनबर्ग, रिचर्ड एन वॉर्निंग यानी इन तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना निम्न में से कौन सा नया अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान निम्न में से किसने संभाली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा अरे ऑफ जीनियस नामक एक लघु फिल्म जारी की है? तो राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने COVID-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो राइट आंसर है DRDO, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो टोटल जो क्वेश्चन थे 13 वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में ट्विटर के CEO ने COVID-19 से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, और आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि ट्विटर के CEO ने COVID-19 से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। और हाँ, ये भी आपको बताना है कि वर्तमान में ट्विटर के CEO कौन है। तो ये दो क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज का क्लास कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।